नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप सभी का सेवा गेमिंग नामक चैनल पर। तो गाइस आज हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, और जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो अभी हम जा रहे हैं स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ अपार्टमेंट। और गाइस मैंने तुम लोगों के लिए एक बंदी ढूंढी है। पूछोगे नहीं कौन सी बंदी या फिर कौन बंदी? बिकल तेरे लिए तो सिर्फ एक ही बंदी बनी है। अरे बताना उसका नाम क्या है, बताना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। अबे लसन बताना उस बंदी का नाम। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गजब बेइज्जती है यार मेरी, नहीं विक्टर की। और तुम लोगों को पता ही है मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जिसने घर बंदी देखी है, नोट बंदी देखी है, और यहाँ तक कि नेट बंदी भी देख ली, लेकिन अपनी बंदी बिल्कुल भी नहीं देखी। खैर जिस कमीने ने हमको नसबंदी का ये आइडिया दिया था हम उसकी नसबंदी करने जा रहे हैं। भाई सब कहां फंस जा रहे हो, पीछे तो देखो जरा। अब इतना भी नजर किस बात का, तुम आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी नहीं देख रहे हो। गाइज मुझे तो ये जगह बढ़िया लग रही थी कैंप करने के लिए, लेकिन यार कैंप करके मैं बंदों को पेलता नहीं हूँ यार। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं कैंप करके 40-50 बंदों को पेल दूं और मेरी फिर आईडी बैन हो जाए, इसलिए मैं इतना कैंप करता नहीं हूँ। और वैसे भी ये और इसके लसन टीममेट ही बहुत है कैंप करने के लिए। अब देखो मैं कैंप करने की बोल ही रहा था कि देखो ये कैसे बैठा हुआ है यहाँ पर कैंप करने लग रहा है। अब इसकी मासूमियत को देखकर मेरा मन तो इसको नॉक करने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें यार इसका बंदा आ रहा था तो मुझे इसको नॉक भी करना पड़ा और साथ ही साथ फिनिश भी करना पड़ा। और इसका बंदा इसको इतनी जल्दी बचाने आता है कि इतनी देर में मैं इसकी पेटी लूट लेता हूँ, हेल्थ वेल्थ सब लगा लेता हूँ, एके एम वगैरह रिलोड भी कर लेता हूँ, इतनी देर में इसका बंदा इसको बचाने आता है। देख रहे हो मतलब रैंडम ऐसे होने चाहिए बंदे, टीममेट हो तो ऐसे हो बनना बिल्कुल भी ना हो। खैर मैं इसको ज्यादा देर तड़पने नहीं देता हूँ, इसको तुरंत मुक्ति देता हूँ और गाइस हम यहाँ से निकल जाते हैं। और हम उसके बाद पिचौंकी आ जाते हैं। पिचौंकी से स्कूल डिपार्टमेंट के बीच में हमको 4-5 बॉट मिल जाते हैं, हम उसको मार देते हैं और हमारे ऐसे ही 60 किल हो जाते हैं। और तुम लोग मेरी रिपोर्ट मत करने बैठ जाना, मैं तुम्हें ये अंदर की बात बता रहा हूँ। और उसे छोड़ो यहाँ पर देखो ये दोनों कैसे आराम से पेटियां लूटने लग रहे हैं, बिल्कुल ओपन में, चौड़े में, खुले में। भाई क्या है ये, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब लूटो लूटो, क्या हुआ नहीं लूट रहे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लूट लेंगे, ऐसी क्या बात है। गाइस मैं आया था यहाँ पर पेटियां लूटने, लेकिन यहाँ पर इनका एक और बंदा कैम करने लग रहा था। देख रहे हो बंदे ने बिल्कुल भी फायर नहीं किया था मेरे ऊपर, वो तो ऊपर चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, तुम्हारा भाई छोटा भीम का बड़ा लड्डू फेंकेगा, देखते हैं क्या ये उसके ऊपर फटेगा। अबे ये तो सचमुच फट गया। अब तुम लोग मुझे कोई हैकर वगैरह मत बोलने लग जाना, मुझे पता है यार ऐसे छोटे मोटे ग्रेनेड तो मैं मारता रहता हूँ। अब मैं इतना भी गाज नहीं कि मैं पीएमसीओ में जाके खेलूं। खैर पीएमसीओ को जाने तो तेल लगाने के लिए, वैसे ही पबजी मोबाइल बैन हो चुका है ऑलरेडी 2 साल पहले, और पुराने गांव को रेतने से भी कोई फायदा नहीं है। सामने फायर हो रहा था लेकिन ये बग्घी कहां पर जा रहे हो? बग्घी वाला आया घर से कचरा निकाल, कहां जा रहे हो भैया? देखो भाई मैं इसी बात की कह रहा था, मैं पीएमसीओ में खेल सकता हूँ भाई। देखा मैंने चलती गाड़ी में से बंदा खींचा है। क्या तुम लोग भी ऐसी गाड़ी से बंदे खींच ले तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ अगर खींचा हुआ है, अगर तुम्हारे पास क्लिप है तो जाओ यार इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन करो और दिखाओ अपनी स्किल्स मुझे। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कोई अवार्ड नहीं देने वाला हूँ। खैर दर्शकों हमारा पृथ्वी लोक से मन उप गया था तो हम स्वर्ग लोक में आ चुके हैं, और यहाँ पर भी हमारे दुश्मन हमें चैन से निद्रा नहीं लेने दे रहे हैं। एक दुश्मन को हमने निष्क्रिय कर दिया और दूसरा वाला विचित्र प्राणी है अपनी गर्दन टेढ़ी करके हमारे ऊपर गोलियां की बारिश कर रहा है, लेकिन इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, मजा तो चखा दिया ऑलरेडी। लेकिन इनके अलावा भी कुछ दुश्मन जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे होते। ये देखो कमर टेढ़ी करके आ रहा था और नागिन बन गया सामने। मेरे प्रिय दर्शकों मुझे सिर्फ इस बात का खेद है कि मैंने इसको इंसान का जन्म दे दिया था गलती से, इसको नाग का जन्म लेना चाहिए था मुझे। खैर छोड़ो, बड़े बड़े मैचों में ऐसे छोटे छोटे नाग तो हमको मिलते ही रहते हैं और उनको हम डेली घोड़ी भी बनाते रहते हैं। तो इनका दूसरा वाला बंदा आता क्या, उसको भी मैं घोड़ी बना देता हूँ, लेकिन ये नाग नहीं था, इसको डायरेक्ट मैंने घोड़ी बना दिया, इंसान को मैंने घोड़ी बना दिया। और अब बारी लास्ट वाले बंदे की, इनकी तो मैंने पेटी बना दी चारों की। खैर ऊपर मेरा बंदों को पेलते पेलते मन भर गया था तो मैं नीचे की ओर आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे एक बालक दिखाई देता है जो कि बेवजह भागने लग रहा था, इतनी तेज दौड़ रहा था। मैंने कहा रुक जा बेटा, चोट लग जाएगी, आराम से दौड़े, लेकिन ये बंदा मेरी सुनता ही नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मैंने इस नादान बालक को चेतावनी भी दी थी लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं, तो भुगतो अपना कर्म फल। तो गाइस हम ऊपर आ जाते हैं और हम यहाँ पर आ ही रहे होते हैं तो एक भाई साहब यहाँ से जा ही रहे होते हैं अपनी गाड़ी को लेकर। मैंने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो, पीछे तो देखो जरा। अरे रुक जाओ जरा, देखो हमने इस बंदे को भी खींच लिया। भाई यार सीखो मुझसे कुछ। तो अब गाड़ी लेके हमें भी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जोन बना है। और देखो भाई गाड़ी उतारने की निंजा टेक्निक है ये, तुम लोग नहीं सीख पाओगे गाड़ी उतारना। देखो
मुझसे सीखो कैसे उतारते गाड़ी। आराम से देखो खड़ी कर दी मैंने, अब दोबारा आराम से गाड़ी ले जाते नीचे। और ये आगे गाड़ी, यहाँ पर आ गए हम, और यहाँ पर अटक गई क्या, कोई बंदा तो नहीं है। ठीक है अब निकालते हैं यहाँ से गाड़ी। गाइज देखो कितनी नीचे ले आया मैं गाड़ी। अरे फंस गई क्या, बेइज्जती क्यों करा रही है, रुक जा, अरे निकल जा भाई। निकली नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम नीचे चले जाते, गाड़ी को छोड़ के चले जाते हैं। अभी अभी जोन में जाना ज़रूरी है हमारा, और बंदों को पेलना भी, क्योंकि हमारे 18 किल हो चुके हैं गाइज, 18। वो बात एक अलग है। एक मिनट, एक और किल जोड़ने वाला है इसमें, और ये एक बंदा नॉक कर दिया अपने, इसको भी जोड़ देते हैं। तो कहाँ थे हम, हमारे 19 किल हो चुके हैं, लेकिन भाई एक और बंदा, ये देखो नवाब गिरी ना जाए, जान चली जाए। वो चाहता था मुझे एक ही गोली में उड़ा देता है M4 वगैरह की से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसने हमें जीवन दान दिया, लेकिन हमने उसको मौका नहीं दिया। अब माना किस्मत मौका देती है, इसी बात पे मैंने इस लस्सन को लुड़का दिया, और फिनिश करने के लिए ट्राई भी करता हूँ, लेकिन फिनिश नहीं हो पाता है। तभी सामने से जोन भी चालू होता है, मैंने कहा यार देख लेंगे इनको। तभी मैं देखता हूँ इधर से कोई बालक जो है जोन के अंदर से बाहर आ रहा था, तो मैंने कहा भाई इसको तो मैं बाहर आने नहीं दूंगा जोन में। कहाँ है भाई, नीचे घुस गया, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अब वो बंदा जो है सामने से गाड़ी लेके आ रहा है, भाई रिवाइव तो देखे आ जाता, ऐसे ही आ गया है। अबे ये तो हमारी ओर आ ही जा रहा है, रुक जा भाई। अरे एक बंदा जोन से फिनिश हो गया, लास्ट वाला बंदा बचा है क्या, हमारा चिकन डिनर रोक पाएगा। एक पल के लिए लेगा, मैंने इसको लपेट दिया और चिकन डिनर रोक गया, लेकिन कोई बात नहीं है, अब जरूर लपेट दिया। खैर गाइस आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग चैनल पर नए हो वो नीचे सब्सक्राइब के बटन को जो है दबा देना, और बगल में जो घंटा आता है उसको भी दबा देना।